और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शराब बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी है और यहां के जनप्रतिनिधि बार बार ये दावा करते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में शराब की खरीद फरोख्त नहीं चलेगी और इसकी कई बार शिकायत भी सरकारी महकमे से की गई, लेकिन जब नतीजा निकला ढाक के तीन पात तो स्थानीय विधायक महोदय ने स्वयं ये जिम्मा ले लिया और उन्होंने शराब की बड़ी खेप खुद पकड़ने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही थी। पुलिस की नाकामी देख स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार ने खुद मोर्चा संभाला और अवैध शराब से भरे 7 वाहनों को उन्होंने अपने जान पर खेलकर पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब बंद करने की अपील की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी नहीं चलने दी जाएगी। इसके बाद विधायक जोरगेवार को शराब माफियाओं की तरफ से जान से मारने की लगातार धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन 19 जनवरी की रात को चंद्रपुर में आने वाली अवैध शराब की खेप उन्होंने स्वयं पकड़ ली, जो नागपुर के रास्ते से होकर 7 वाहनों के जरिए लाई जा रही थी। शराब पर सरकार की सख्ती के बावजूद शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा इस खबर से आप लगा सकते हैं, लेकिन विधायक के हौसले और उनके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो एक जनप्रतिनिधि ने कर दिखाया। तो कुल 7 वाहनों में तकरीबन 2000 शराब से भरी पेटियां पुलिस ने बरामद की है जिसकी कीमत करोड़ों के आसपास है। कल रात चंद्रपुर में बड़ी मात्रा में शराब की गाड़ियों का जखीरा दाखिल हुआ। हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने अपने साथियों के साथ में 7 गाड़ियों को पकड़ा। इतनी बड़ी मात्रा में चंद्रपुर शहर में दारू आ रही है, शराब आ रही है और दुर्भाग्यवश पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के से वो हो नहीं रही है। चंद्रपुर एक उड़ता चंद्रपुर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ शराबबंदी होने की वजह से बड़ी मात्रा में अवैध शराब आती है। ये अवैध शराब डुप्लीकेट होती है और इससे भी लोगों के जान को खतरा बढ़ गया है। चंद्रपुर की जनता में बड़ा रोष है। 2000 से ज्यादा पेटियां, जिसके एक पेटी में 100 बोतलें होती है, अब आप विचार कीजिए कि कितनी मात्रा में यहां पे शराब आई। करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए की शराब कल हमारे साथियों ने यहां पर पकड़ के पुलिस प्रशासन को सुपुर्द की। इस बात की बड़ी तीव्र निंदा हो रही है कि चंद्रपुर में इतनी बड़ी जो शराब का रैकेट चल रहा है, इस रैकेट को खत्म करने की आवश्यकता है और ये हम खत्म करके रहेंगे। चंद्रपुर को शराब मुक्त करके रहेंगे, अवैध शराब यहाँ चलने नहीं देंगे।